नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि दुर्गा पूजा एवं दशहरा का पर्व हर्ष एवं उल्लास का पर्व है। दशहरा पर्व को विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह हमारे जीवन में संयम एवं आत्मिक बल का संचरण करने वाला पर्व है। इसके साथ ही कोरोना के माहौल में आयोजित इस महापर्व पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वो दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व को पारस्परिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर मनाए। वहीं मुख्यमंत्री ने इस ट्वीट पर दुर्गा पूजा के आयोजन पर रोक लगाने और जनसभा में हो रही भीड़ का हवाला देकर सरकार की नीतियों पर निशाना भी साधा गया है। गुडविल अम्बेसडर ने दिलाई पटना को साफ रखने की शपथ। पटना नगर निगम के गुडविल अम्बेसडर संजय मिश्रा की उपस्थिति में बीते दिन सिटी अम्बेसडर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। इससे पहले उन्होंने पटना जंक्शन क्षेत्र एवं चीनी कोठी इलाके में साफ सफाई की और बस्ती में रहने वालों को घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने आगे जंक्शन के पास रानी चौक के पास साफ सफाई के साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की कि वो अपनी दुकान, दफ्तर का कचरा सड़क पर न फैलाएं। आज से पूरी तरह से खुल गए पटना के सभी पार्क। कोविड 19 के कारण सभी पार्क 23 मार्च से बंद पड़े थे। पटना में आज से सभी पार्क को खोल दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 6 महीने से अधिक बंद रहने के बाद फिर से राजधानी पटना में सभी पार्क पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। पटना के इको पार्क समेत सभी वाटर पार्क में आज से एंट्री पर पूरी तरह से बैन हटा लिया गया है। आपको बता दें, पार्क अब तक 2 शिफ्ट में आंशिक रूप से खोले जा रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से 5:30 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। हालांकि पार्क आने वाले लोगों को कुछ नियमों का पालन करना होगा, तभी एंट्री मिलेगी। गेट पर थर्मल स्कैनिंग करानी होगी, साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सर्दी खांसी और जुकाम वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी। लोग अपना पानी बॉटल और सैनिटाइजर साथ रखेंगे। इसके साथ ही पार्क में घूमते समय पेयजल या वॉशरूम से दूरी बनाए रखेंगे। पार्क में भीड़ भाड़ नहीं लगाने की अनुमति जारी की गई है। JOSSA का सेकेंड राउंड हुआ खत्म। IIT पटना में अभी भी 2 सीट और NIT में 400 सीटें खाली। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी की तरफ से सेकेंड राउंड के तहत IIT और NIT में रिपोर्टिंग प्रक्रिया बीते दिन समाप्त हो गई है। IIT पटना में बचे हुए 20 सीटों पर दूसरे राउंड में 18 एडमिशन करवाए गए हैं। IIT पटना में 427 में केवल 2 सीटें बची हुई हैं। वहीं NIT पटना अभी भी 400 से अधिक सीटें खाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार तीसरे राउंड की लिस्ट 26 अक्टूबर को जारी की जाएगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग और शुल्क भुगतान 27 और 28 अक्टूबर को होगा। वहीं 23 अक्टूबर तक एडमिशन लेने वाले छात्र 24 अक्टूबर तक सीट छोड़ सकते हैं। इसके बाद तीसरे राउंड के लिए 26 अक्टूबर को जारी हो जाएगी। आपको बता दें कि चतुर्थ सीट आवंटन 31 अक्टूबर तक, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और शुल्क भुगतान 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कर सकते हैं। पांचवा सीट आवंटन 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे शशांक कोइराला की। शशांक कोइराला का जन्म आज ही के दिन 1958 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। शशांक कोइराला एक नेपाली राजनेता है जो कोइराला परिवार के राजनीतिक वंश से संबंधित है। वो एक प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ भी है। वो नेपाली कांग्रेस के महासचिव है। इसके साथ ही कोइराला परिवार के एकमात्र सदस्य थे जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से चुने गए थे। उन्होंने 2013 की संविधान सभा के साथ साथ 2017 के नेपाली विधानसभा चुनाव में भी अपनी सीट बरकरार रखी। बूथों पर चुनाव के दौरान अर्धसैनिक बल संभालेंगे मोर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव में बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहने वाली है। चुनाव के मद्देनजर फोर्स की तैनाती का खाका तैयार कर दिया गया है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का जिम्मा अर्धसैनिक बलों के जवान के जिम्मे सौंपा गया है। प्रथम चरण में बिहार के 71 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 28 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कई इलाके संवेदनशील भी घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे जगहों पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह चरण अति संवेदनशील माने गए हैं। खासकर औरंगाबाद, गया, लखीसराय और जमुई में ऐसे संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। राज्य के विशेष पुलिस बल की लगभग 1100 कंपनियां बिहार पहुंच चुकी है। बची हुई कंपनियां भी जल्द ही बिहार आ जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में निष्पक्ष चुनाव के लिए 1200 कंपनियां मिली हैं, जिसमें 45 यहीं पर पहले से ही तैनात है। तेजस्वी यादव ने जारी किया राजद का घोषणा पत्र। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। वहीं लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। इसी क्रम में राजद ने भी अब अपने घोषणा पत्र को जारी किया है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने हमारा प्रण संकल्प बदलाव का नाम दिया है। घोषणा पत्र में राजद ने बिहार के बेरोजगारों पर खास ध्यान दिया है, साथ ही महागठबंधन की तरफ से किए गए 10 लाख नौकरी मुहैया करवाने के वादे को दोहराया है। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी दोहराया है। हालांकि यह भी साफ किया गया है कि आने वाले समय में अगर राजद की सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। राजद ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, गांव को स्मार्ट बनाने, CCTV कैमरा लगाने, प्रदेश में नए उद्योग नीति आने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स माफी का वादा
इरादा भी किया है। चुनाव आयोग ने अरवल और शेखपुरा के उत्पाद अधीक्षकों को निलंबित करने का दिया निर्देश। चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रही है और यही कारण है कि चुनाव आयोग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने जहानाबाद, बक्सर, लखीसराय और जमुई के उत्पाद अधीक्षकों के ट्रांसफर करने का निर्देश जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन पहले चरण के 71 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आयोग की तरफ से समीक्षा की गई है। 16 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आयोग की तरफ से भी समीक्षा कर दी गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की बैठक में जिन इलाकों में सबसे ज्यादा धनबली और बाहुबली प्रत्याशी मौजूद है उन क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने की आवश्यकता की जाएगी। साथ ही वैसे निर्वाचन क्षेत्र जिन इलाके में कमजोर वर्ग के मतदाता, गरीब मतदाता रहते हैं उन क्षेत्रों में जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जारी किया रालोसपा का वचन पत्र। राजद के बाद अब रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में रालोसपा ने गरीब घर से आने वाले छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बिहार में 5 नए विद्यालय खोलने समेत कई अहम वादे किए थे। इस मौके पर रालोसपा चीफ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षा के बिना किसी का विकास संभव नहीं है। संपन्न परिवार से आने वाले छात्रों के लिए बड़े बड़े विद्यालय खुले पड़े हैं, मगर परेशानी गरीबों की है। गरीबों की शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालय ही एकमात्र सहारा है, जिनकी हालत बेहद ही खराब है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुफ्त वैक्सीन की लहर पहुंची अमेरिका तक। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वैक्सीन का मुद्दा तेजी से फैलने लगा है। कुछ दिनों पहले भाजपा की तरफ से सरकार बनने पर बिहार के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाने का दावा किया गया था, जिसकी आहट अब अमेरिका तक सुनाई देने लगी है। हाल ही में जारी किए गए जानकारी के अनुसार भाजपा ने जिस तरह वैक्सीन का दाव चला है, वैसे ही अब अमेरिका में नवंबर महीने में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिलने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन ने अमेरिकियों को मुफ्त में वैक्सीन देने का बड़ा चुनावी वादा कर दिया है। जो बिडेन ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो सभी अमेरिकियों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन अनिवार्य तौर पर मुफ्त कर देंगे। उनका यह कदम कोरोना से निपटने की दिशा में राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा होगा। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना से पटने में असमर्थ रही ट्रंप प्रशासन ने कोरोना के माहौल में आत्मसमर्पण कर दिया है। राजद ने 4 प्रत्याशियों को दिखाया बाहर का रास्ता। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े नेताओं का आगमन बिहार में हो चुका है। वहीं राजद ने भी अब पार्टी में बागी तेवर दिखा रहे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है और यही कारण है कि पार्टी अब बागियों की आनाकानी नहीं सुन रही है। इसी क्रम में अब बीते दिन राजद ने 4 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने कार्रवाई की है, जिसके बाद इन सभी को पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दल विरोधी गतिविधि को लेकर 6 साल के लिए पूर्वी चंपारण के विधायक राजेश कुमार, जफर आलम, सहरसा विधायक जफर आलम। बिहार चुनाव में महंगाई बनी मुद्दा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी और लाखों लाख नौकरी मुहैया करवाने जैसे मुद्दों के बाद अब कांग्रेस ने बिहार में महंगाई का मुद्दा उठाया है। आम जनता वैसे भी आलू प्याज के बढ़ रहे दामों को लेकर सरकार से नाराज चल रही है, साथ ही काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा उठाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार के काले कानून की वजह से आज लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्याज की कीमत आसमान छू रही है और अब सरकार इसको नियंत्रण में करने में अलग से आदेश जारी कर रही है। बिहार सहित अन्य राज्यों में उपचुनाव को देखते हुए एनडीए सरकार दिखावा कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि सरकार ने नए किसान कानून को पूंजीपतियों के फायदे के लिए लागू किया है। काजल अग्रवाल की सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की शादी इन दिनों चर्चा का पात्र बन गई है। जानकारों की माने तो काजल की शादी इंटीरियर डिजाइनर गौतम किचूल से होने वाली है। हाल ही में उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपनी शादी की जानकारी फैंस के साथ साझा की थी, जिसके बाद अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। काजल ने इस वीडियो को अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है शादी वैनिटी। काजल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर फैलने लगा है। मालूम हो कि काजल 30 अक्टूबर को गौतम किचूल के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली है। दोनों की शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में होगी, जिसमें परिवार के कुछ करीबी दोस्त शामिल होंगे। साथ ही काजल की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी, जिसमें वो शादी से पहले बैचलर्स पार्टी करती नजर आई है। काजल अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने हाँ कर दी, मुझे आप लोगों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं गौतम किचूल से 30 अक्टूबर 2020 को शादी करने जा रही हूँ। आज दिल्ली और कोलकाता के बीच होगा पहला मुकाबला, वहीं दिन का दूसरा मुकाबला हैदराबाद और पंजाब के बीच। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज 2 मैच का आयोजन करवाया जाना है, जहां पहला मैच दिल्ली और कोलकाता के बीच खेला जाएगा, वहीं दूसरा मुकाबला हैदराबाद और पंजाब के बीच होगा। दिल्ली इस समय 10 में से 7 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, वहीं कोलकाता 10 में से 5 मैच जीतकर चौथे स्थान पर है। दोनों टीम के बीच पहले भी एक मैच हो चुका है। दिल्ली ने कोलकाता को 18 रनों से हराया था। वहीं दूसरा मुकाबला हैदराबाद और पंजाब के बीच देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के बीच पिछले मैच में हैदराबाद को 70 रनों से जीत मिली थी। हैदराबाद 10 में से 4 मैच जीतकर अंक तालिका में 5वें स्थान पर है, पंजाब 10 में से 4 मैच जीतकर 6ठे स्थान पर है। हालांकि ये सभी टीम आज मैदान में जीत के इरादे से उतरने वाली है। इन सभी टीमों को अपनी जगह प्लेऑफ में बनानी है, इसलिए दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी टीम मैदान में जद्दोजहद करती नजर आ सकती है।
देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 77 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 53,370 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 78,14,682 पर पहुंच गई है, जिसके बाद 24 घंटे में कुल मिलाकर 650 लोगों की जान जा चुकी है। जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,17,956 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है, वहीं आपको बता दें कि भारत में अब तक कुल मिलाकर 70,16,046 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 6,80,680 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आईपीएल के 13वें संस्करण में सीएसके के प्लेऑफ में नहीं पहुंचने का मुख्य कारण क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।